जिस तरह से ये पूरा एनकाउंटर हुआ उसको लेकर कई भले ही दूसरी तरफ से सवाल उठे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो वाकई में बेहद खुश हैं। और उस अधिकारी को भी हम आपको बता दें जिन्होंने इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया। दरअसल ये सभी आरोपियों को लेकर जब उस मौके वारदात पर पहुंचे थे जहां पर इन आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, तो यही वो ऑफिसर हैं, यही वो शख्स हैं जिन्होंने इन चारों आरोपियों को ये कहा कि वो ढेर जो है वो किया है। चार आरोपी जब मौके पर उनको लेकर पहुंचे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान जब इन आरोपियों को रोका गया तो लगातार भागते रहे, और यही वो ऑफिसर हैं जिन्होंने इन चारों आरोपियों को ढेर कर दिया। और कहा जा सकता है, हालांकि कई ये भी कहा जा रहा है कि जो एक प्रोसेस है एनकाउंटर का उसको लेकर सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं, जो जाँच होगी वो जाँच जरूर होगी, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि इस एनकाउंटर की के बाद से जब ये चारों आरोपी उस महिला डॉक्टर के जो ये आरोपी थे उन्हें ढेर किया गया है, तो उसके बाद में जरूर सभी को खुशी जरूर है। इन्हीं यही अफसर हैं जिन्होंने इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया। वीसी सजनार पुलिस कमिश्नर हैं, यही वो हैं जब पूरे इन आरोपियों को अपनी टीम के साथ में उसी जगह पर लेकर पहुंचे थे, नेशनल हाईवे 44, जहां पर उन आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। ये आरोपी जो है, जो चार आरोपी है वो हम आपको अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं, और इन्हीं आरोपियों को ढेर किया गया है। चारों आरोपी यही वो चार हैं जिन्होंने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था, और चारों ओर से यही आवाज उठ रही थी कि इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले, इनको फांसी हो। हालांकि वो एक पूरा प्रोसेस चल रहा था, जांच चल रही थी, और इन चारों आरोपियों को टीम, पुलिस की टीम लेकर पहुंची थी उसी जगह पर, सीन रिक्रिएट करने की कोशिश थी, और उसके बाद में वह भागने की कोशिश कर रहे थे। हम आपको सिलसिलेवार बताते, दरअसल 27 नवंबर को क्लिनिक जाने के लिए जब महिला डॉक्टर जो है वो निकली, उसके बाद में उनकी गाड़ी में कुछ इशू आ रहा था, तो वो उसके बाद में उन्हें उसी टोल प्लाजे के पास में छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ गई कैब बुक करके। लेकिन जब वो शाम को लौटी तो उसके बाद में उन्हें देखा कि उनकी गाड़ी जो है वो पंचर है, इसको लेकर परेशान भी हुई महिला डॉक्टर, ये हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं। फिर 27 नवंबर रात 9:22 पर उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन लगाया और फ़ोन पर यह जानकारी दी कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर है। हालाँकि उन्होंने ये भी अपनी बहन को बताया था कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उन्हें मदद की पेशकश कर रखे हैं। दरअसल ये वही लोग थे जो जिनके मन में इस पूरी वारदात को अंजाम देने को लेकर प्लानिंग चल रही थी। रात 9:44 पर पीड़िता का फोन स्विच ऑफ हो गया, जब उन्होंने अपनी बहन से बात की उसके बाद में उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद में आरोपियों को पकड़ा गया, जब अगले दिन जब डेड बॉडी बरामद हुई थी, जली हुई, उसके बाद में जब आज टीम लेकर पहुंची, आपको बता दें आज सुबह चार आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाया गया और वहां से ही भागने की कोशिश कर रहे थे। आरोपियों के साथ में पूरे सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान कुछ आरोपी, पहले एक आरोपी भागने की कोशिश करता है, जब पुलिस यहाँ पर सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी, पुलिस कमिश्नर भी वहाँ पर मौके थे जिनकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, ये आरोपी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी लगातार चकमा देने की पुलिस को कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद में पहले पुलिस ने इन आरोपियों को रुकने की चेतावनी दी, लेकिन जब ये आरोपी नहीं माने चेतावनी के बावजूद, तो फिर पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा, जो एक पूरी एक प्रोसेस है। उसके बाद में पुलिस ने गोली चलाई, एक बाद एक चारों आरोपी ढेर कर दिए गए।